हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं प्रियंका हूं और मैं कुकिंग से रिलेटेड या ब्लॉग्स लेके आती हूं। अगर आप लोगों को मेरी बातें, मेरे चैनल के मतलब चीजें, कंटेंट आपको पसंद आता है तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो आज का मेरा क्या है कि मैं मतलब जैसा सभी जान रहे हैं कि आजकल लॉकडाउन है, तो मैं अपना हेयर कट चाहती थी। देखिए, बाल तो मेरे बड़े हो गए हैं लेकिन यहाँ देखिए बिल्कुल मतलब एकदम अलग अलग से हो गए हैं, सूखे सूखे से और नीचे नीचे पतले पतले हो गए हैं, ये देखिए। तो मैंने सोचा कि अभी हेयर कट कराने के लिए, फिर मैं सोच रही हूँ कि कैसे कराया जाए क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है तो फिर पार्लर वगैरह बंद है, और अगर खुले भी हैं तो वहां पे जाना तो सेफ है नहीं, क्योंकि हर जगह के लोग आते हैं, हर तरीके के लोग आते हैं, किसको क्या प्रॉब्लम है कुछ कहा नहीं जा सकता है। और न्यूज देख के तो एकदम दिमाग आउट होता है कि भगवान कितने लोगों की डेथ हो रही है, कितना क्या हो रहा है, और घर में बच्चे भी हैं छोटे छोटे तो डर तो लगता ही है। तो मैंने सोचा कि बाल को काटने के लिए क्या किया जाए, तो अगर घर में कोई ऐसा तो है नहीं कि जो कट कर दे, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही कट करती हूँ। तो देखिए मैंने किस तरह से अपने बाल को कट किया है, और ये देखिएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल यू शेप में बाल कट होगा। एक नई ट्रिक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है और ये ट्रिक पसंद आती है तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है। और ये रही हमारी कंघी, अभी देखिएगा मैं किस तरह से बाल अपने बांध के, और मैं पूरा दिखाऊंगी कि किस तरह से लेयर में बाल कटेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से। अब टेम्परेरी काम तो चलाना ही पड़ता है क्योंकि कोई नहीं है। ये देखिए, पूरे बालों को मैं यहाँ पे ऐसे करके पूरा बांध दूंगी। ये यहाँ पे बालों को मैंने पहले से भी सुलझा रखा था, लेकिन फिर भी देखिए कितने उलझे हैं। ये ऊपर से तो देखिए कितने मोटे और घने हैं बाल मेरे। इस पर भी मुझे एक वीडियो बनानी है, क्योंकि मैंने एक वीडियो डाली थी ऑयल से रिलेटेड कि मैं किस तरह के ऑयल को यूज करती हूँ, तो फिर मेरे बाल लंबे हुए हैं तो मुझे कमेंट्स काफी आए हैं कि किस तरह से आप यूज करते हो पूरा डाल के, और हर एक चीज अच्छे से आप बताओ। तो मैं वो भी बताने वाली हूँ आपको कि मैं कैसे बालों में अपने तेल लगाती हूँ और क्या क्या चीजें डाल के क्यों बाल लंबे होते हैं, तो उसके बारे में बताना है मुझे। ये देखिए, अब इसको मैं पूरा अच्छी तरह से ऐसे कट कर लूंगी। देखिए यहाँ पे देखिए ये मैंने बांध लिया, फिर यहाँ पे बराबर करके मैं एक और इस तरह से रबड़ लगाऊंगी, जैसे कि बाल छोटे बड़े या खराब ऐसे सब ना हो। और ये देखिए बाल लंबे हैं तो इसलिए आपको थोड़ा ऐसे दिखना पड़ रहा है। ये देखिए, अभी मैं अपने इतने बाल कट करूंगी इस तरह से। ये देखिए कि यहाँ कितने पतले हो गए, अब यहाँ देखिए कितने मोटे हैं, तो उसको कट करने के लिए मुझे इस तरह से पकड़ के और ये देखिए इस तरह से पकड़ के इस तरह से मैंने साइड से काटा है, और इसको आप देखिए ऐसे करके ऐसे ये साइड से ऐसे गोल कर लेते हैं पूरा अच्छी तरह से। आपको दिख रहा होगा, ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से ऐसे गोल कर लेंगे। ये देखिए बाल ये है मेरे, और अब देखिए कितने अच्छे से हो गए हैं। ये देखिए यहाँ से ऐसे गोल गोल जैसे होता नहीं एक सर्कल टाइप का, उस तरह से आपको कट करना है। ये देखिए ये देखिए एकदम अच्छा यहाँ आपको दिख रहा है ना। अभी मैं इसको खोलती हूँ और ऐसे पलट के फिर दिखाती हूँ आपको। मैं उठ के दिखाती हूँ बालों को, जैसे बाल आपको दिखे। ये देखिए बिल्कुल गोल गोल सा लेयर के जैसा, और पीछे से भी बोले तो पीछे से भी दिखा देती हूँ। ये बिल्कुल लेयर के जैसा कटा है ऊपर नीचे, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा आपको। इस तरह से मैंने अपने बाल की कटिंग की, और आगे से भी
अगर जिसको काटना पसंद हो तो वो इस तरह से करके और बालों को ऐसे पकड़ के ऐसे इस थोड़ा सा टेढ़ा काटा जाता है इस तरह से नीचे की तरफ इस तरह से पकड़ के ऐसे ये देखिए इसको मैं बराबर बराबर करके काट रही हूँ। ये देखिए अब मेरे आगे के बाल भी ये देखिए अच्छे कट गए हैं जिस तरह से कटते हैं। और ऐसे करने के बाद में काटने के बाद में इस तरह कंघी से थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए तो देखिए जैसे लगता है कि वो होता ना मतलब थोड़ा सा कर भी हो जाता है। ये देखिए आपको मेरे बालों की कटिंग कैसी लगी। अब देखिए बिल्कुल बाल एकदम अच्छे हो गए हैं। ये देखिए तो आपको ये कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करकर। घर में आप इसी तरह से हेयर कट कर सकते हैं और मैंने इस तरह से अपना हेयर कट किया तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।